आशाराम बापू को लेकर जो पहले की दो वीडियोस बनाई थी उसमें लोगों ने कहा कि हमें और जानना है इस केस के बारे में। तो मैंने भी सोचा कि जब लड़की ने 376 मतलब रेप की धारा लगाई ही नहीं थी FIR में, तो किन सबूतों के आधार पर उन्हें रेप का कन्विक्ट माना गया। FIR में रेप नहीं, मेडिकल रिपोर्ट में रेप क्या एक माइनर असॉल्ट का भी साइन नहीं। एंड ACP अजय लांबा ने भी तो यही कहा था। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अहमदाबाद से कोई सीटी बरामद हुई है, ये तथ्यहीन बात। लेकिन कुछ दिन बाद ACP अजय लांबा का स्टेटमेंट बदल गया। उन्होंने ललन टॉप के एक इंटरव्यू में कहा कि रेप तो हुआ है। इतना ही नहीं, इसके बाद इन्होंने एक किताब भी लिखी जिसमें इन्होंने ये मेंशन किया कि आशाराम बापू के इन्फ्लुएंशियल होने की वजह से इन्हें बड़ी धमकियां आती थी जिसके कारण इन्हें अपना काम करने में बड़ी परेशानी हुई। इनकी किताब में मिस इन्फॉर्मेशन होने की वजह से जोधपुर कोर्ट ने इन्हें समन किया, लेकिन इनके सरकारी वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये दलील दी कि इन्होंने तो पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है कि कहानी के कुछ भाग को रोचक बनाने के लिए इन्होंने नाटकीय तौर पे जो बातें ऐड की हुई हैं उसे सबूत के तौर पे ना लिया जाए। और मकारी यहीं खत्म नहीं होती। मजिस्ट्रेट के सामने जब विक्टिम का बयान हो रहा था तब वो कुटिया या घटना स्थल की जानकारी ही नहीं दे पाई थी। 22 अगस्त 2013 को दैनिक भास्कर के इस रिपोर्ट के अनुसार ACP अजय लांबा अपनी टीम के साथ कुटिया की फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करने गए, और ठीक उसके बाद जब विक्टिम का पुलिस के सामने बयान हुआ तो उसने कुटिया और घटना स्थल की सारी जानकारी दी। और इसके आगे तो आप खुद ही समझदार हैं। इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चंचल मिश्रा के ऊपर सीकर राजस्थान के न्यायालय ने जांच का ऑर्डर दिया था। पता है क्यों? काम चोरी और बेईमानी के लिए। और काम चोरी तो इन्होंने यहाँ भी दिखाई, घटना स्थल की फोरेंसिक जांच ही नहीं कराई जो कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और लड़की का जो FIR कराते वक्त वीडियोग्राफी हुई थी वो वीडियो ही गायब हो गया। इसके अलावा ये घटना 15 अगस्त 2013 की थी, लेकिन जब कोर्ट में लड़की के कॉल डिटेल्स सबमिट किए गए तो उसमें 12 से 17 अगस्त के सारे कॉल डिटेल्स मिसिंग थे। आगे के वीडियो में जानेंगे हम मीडिया की खतरनाक भूमिका, जिसके लिए कई मीडिया हाउसेस पे केस भी चल रहा है।